हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेंडिंग अफेयर्स पर। दोस्तों, खबरों में भारत और रशिया के ट्रेड रिलेशन के बारे में तो आप अक्सर सुनते होंगे। भारत ने पिछले एक साल में रशिया के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस को इतना स्ट्रांग कर लिया है कि बाकी सभी देशों की तुलना में भारत व्यापार के मामले में नंबर वन देश बन गया है। पर लगता है भारत और रशिया का ये ट्रेड रिलेशन अब धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं विषय पर चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। रशिया ने भारत के साथ रूपी, जो कि भारत की करेंसी है, उसमें व्यापार करने से मना कर दिया है, और युआन, जो कि चाइना की करेंसी है, उसमें व्यापार करने के लिए भारत को कहा है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? दोस्तों, जब रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर शुरू हुआ था, उस वक्त रशिया से नाराज होकर अमेरिका ने साफ तौर पर कह दिया था कि रशिया से कोई भी देश व्यापार नहीं करेगा। साथ ही ये भी कहा था कि यदि कोई देश रशिया से व्यापार करता है तो उसे डॉलर में ट्रेड करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अमेरिका के इस अनाउंसमेंट के बाद रूस और भारत ने नया तरीका निकाला और रूबल, जो कि रशिया की करेंसी है, और रूपी में व्यापार करने की सोची। दोनों देशों के बीच ट्रेड तो स्ट्रांगली शुरू हो गया, पर इनके बीच करेंसी को लेकर कई दिक्कतें आने लगी। रूबल और रूपी में ही सभी व्यापार कंटिन्यू तो होने लगे, लेकिन रशिया बीच बीच में रूपी को लेकर कई प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगा। दोनों देशों ने मिलकर कई कोशिशें की कि इनके इस करेंसी प्रॉब्लम का कोई हल निकल सके, पर अब तक कोई हल नहीं निकल पा रहा। इसी बीच रशिया ने भारत के साथ रूपी में व्यापार करने से मना कर दिया, और रशिया की मांग है कि अब दोनों देशों के बीच ट्रेड युआन में हो। रशिया ने भारत से कहा कि उनके पास रूपी बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठा हो गए हैं, और अब रूपी में कोई भी ट्रेड रिलेटेड डील नहीं होगी। वैसे देखा जाए तो रशिया ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि युआन को रूबल में चेंज करने में लगने वाला कॉस्ट काफी कम है, और इससे रशिया को बहुत अधिक मात्रा में फायदा होगा। अब रशिया की इस जिद को देखते हुए तो लगता है दोनों के बीच ट्रेड डील्स में कुछ समय के लिए विराम लगने वाला है। अब बस देखना ये है कि भारत इससे रिलेटेड क्या सोल्यूशन निकालता है। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।